أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In class 6th English subject, today we are starting unit number 2, pollution. Unit number 2, pollution. Today we write the English meanings, Urdu meanings and sentences of difficult words of this unit. यूनिट नंबर टू पोल्यूशन में हम लोग आज मुश्किल अल्फाज के इंग्लिश मीनिंग्स, उर्दू मीनिंग और सेंटेंसेस लिखेंगे. पिछले यूनिट में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जो वर्ड्स मीनिंग लिखे थे हम लोगों ने, मैं आप लोगों को बताया था कि ये जो काम होगा वो फेस टू फेस पेजेस पर होगा कॉपी के. इससे पहले आप लोगों ने फेस टू फेस लाइन ही लगा लेनी है अपने कॉपी पर, और पहली लाइन पर, पेज के पहली लाइन पर दोनों साइड पर आप लोगों ने यूनिट का नाम बोल्ड अल्फाबेट से लिखना है. यूनिट नंबर टू पोल्यूशन. इससे पहले आप लोगों ने एक टाइटल पेज बना लेना है कॉपी पर, जिस पर आप लोग खूबसूरत अंदाज से यूनिट का नाम लिखेंगे टाइटल पेज पर. अगर हो सके तो खूबसूरती के लिए कोई भी आप स्टिकर्स वगैरह भी लगा सकते हैं उसको, जैसे कि आप लोगों ने प्रेप में मैंने आप लोगों को समझाया था और उसमें भी आप लोगों ने टाइटल पेज वगैरह बनाए हुए थे. तो इसी तरह से आप लोगों ने इस क्लास में भी टाइटल पेज हर लेसन के लिए ज़रूर, हर यूनिट के लिए ज़रूर बनाना है. तो फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस यूनिट इज, डिफिकल्ट यूनिट वर्ड इज एक्सेसिव. एक्सेसिव इंग्लिश मीनिंग्स too many or too much. उर्दू मीनिंग बहुत ज्यादा, बेशुमार, बहुत ज्यादा या बेशुमार. सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड इज वी ऑब्जर्व एक्सेसिव स्मोक ऑन रोड्स. वी ऑब्जर्व एक्सेसिव स्मोक ऑन रोड्स, यानी हम रोड्स पर, सड़कों पर बहुत ज्यादा स्मोक देखते हैं, धुआं देखते हैं गाड़ियों की वजह से. सेकंड वर्ड इज इमिशन. इमिशन इंग्लिश मीन्स द एक्ट ऑफ सेंडिंग आउट, द एक्ट ऑफ सेंडिंग आउट. उर्दू मीनिंग इखराज या बाहर निकलना, बाहर निकलना किसी चीज का, बाहर निकलना किस जगह से. The emission of gas makes the atmosphere polluted. The emission of gas makes the atmosphere polluted. यानी गैस की जो इखराज होता है, किसी भी जगह पर हो, खुली जगह पर हो, या कमरे में हो या बाहर हो, तो क्या करता है, एटमोसफियर को, माहौल को पोल्यूटेड बना देता है. लोग सांस नहीं ले सकते जिसकी वजह से, तो ये होना कहलाता है एटमॉस्फेयर का. नंबर थर्ड वर्ड है आप लोगों के पास कंटेमिनेशन. कंटेमिनेशन इंग्लिश मीनिंग टू मेक इम्प्योर समथिंग बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंस. टू मेक इम्प्योर समथिंग बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंस. उर्दू में इसकी है गंदा करना या आलूदा करना, यानी किसी चीज को हार्मफुल, खतरनाक सब्सटेंस के जरिए इंप्योर कर देना, यह कहलाता है कंटेमिनेशन. इसका सेंटेंस है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर काजेस मैनी डिजीजेस. कंटेमिनेशन ऑफ वाटर काजेस मैनी डिजीजेस, यानी वाटर का जो आलूदा होना है, पानी का आलूदा होना है, वो बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है, बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है. नेक्स्ट वर्ड इज ड्रेनेज. इंग्लिश मीनिंग द सिस्टम ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम अ प्लेस. द सिस्टम ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम अ प्लेस,
उर्दू मान हो इसके निकासी है आप, निकासी है आप, या किसी जगह से जमा शुदा पानी का निकालना, किसी जगह से जमा शुदा पानी का निकालना। सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड इज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ आवर सिटी इज वेरी पुअर, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ आवर सिटी इज वेरी पुअर। नेक्स्ट वर्ड इज इनसैनिटरी, इनसैनिटरी इंग्लिश मीनिंग्स अनक्लीन एंड लाइकली टू कॉज डिजीजेस, अनक्लीन एंड लाइकली टू कॉज डिजीजेस। मुजरे सेहत, सेहत के लिए नुकसानदेह, सेहत के लिए नुकसानदेह। अनक्लीन चीज जो है वो क्या करती है, सेहत के लिए मुजर होती है, नुकसानदेह होती है, वो डिजीजेस यानी बीमारियों का सबब बनती है। सेंटेंस फॉर दिस वर्ड इज द कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल वाज इनसैनिटरी, द कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल वाज इनसैनिटरी, यानी हॉस्पिटल कोई बंदा गया तो वहां पर देखा कि उस कंडीशन जो थी वो इनसैनिटरी थी, वो मौत से आती वहां जाकर इंसान और भी बीमार हो जाता है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन इंग्लिश मीनिंग हाई ब्लड प्रेशर, बुलंद फिशार खून, उर्दू माना होगा इसका बुलंद फिशार खून, खून का जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाना, दबाव बढ़ जाना। हाइपरटेंशन इज अ डेंजरस डिजीज, हाइपरटेंशन इज अ डेंजरस डिजीज। नेक्स्ट वर्ड इज पॉइजनस, पॉइजनस इंग्लिश मीनिंग्स हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन, हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन यानी जहरीला, जहर के जिसमें असरात हो किसी चीज में वो पॉइजनस कहलाती है। ही डाइड बाय ईटिंग पॉइजनस फूड, ही डाइड बाय ईटिंग पॉइजनस फूड। लास्ट वर्ड है क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस इंग्लिश मीनिंग इसके द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लीन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लीन यानी सफाई, उर्दू माना होगा इसका सफाई। क्लीनलीनेस इज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ इस्लाम, क्लीनलीनेस इज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ इस्लाम। सफाई जो है वो इस्लाम का, इस्लाम की जो है ना ऐसी क्वालिटी है जो यूनिक है, जो किसी और मजहब में ज्यादा नहीं पाई जाती, एक खास किस्म की क्वालिटी है, खासियत है इसमें इस्लाम में क्लीनलीनेस की, सफाई की। क्योंकि हमें बताया गया है कि क्लीनलीनेस इज द हाफ ऑफ द फेथ, एक हदीस है, सफाई निसब ईमान है, तो इसी वजह से ये यूनिक क्वालिटी है इस्लाम की। तो ये इस्लाम के मुश्किल अल्फाज, डिफिकल्ट वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग और सेंटेंसेस, इसको अपनी कॉपी पर नीट क्लीन करके लिखें। फेस टू फेस पेजेस पर आप लोगों ने काम करना है, इसके लिए एक साइड से आप लोगों ने वर्ड मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग के कॉलम बनाने हैं, जबकि उसके सामने वाले पेज पर फेस टू फेस जो पेज होगा उस पर आप लोगों ने सेंटेंसेस के लिए एक कॉलम बनाना है, और उस पर इन्हीं अल्फाज के लिए, वर्ड्स के लिए जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं ये आप लोगों ने लिखने हैं। कोशिश करेंगे अपनी तरफ से भी इन वर्ड्स के लिए सेंटेंसेस बनाएं, ताकि आप लोगों को सेंटेंसेस बनाने के लिए कोई मुश्किल दरपेश ना हो, सेंटेंसेस बनाना आप सीख जाएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।